जी सामने मिल जाएगा 10 रुपये वाले। अरे चालू करो वहाँ से पूरी क्लियर आएगी उसमें। वृक्षाणाम अश्वथो वृक्ष ऋतूनाम कुसुमाकर, तो उसी पीपल के वृक्ष का यह यंत्र काष्ट का यह यंत्र बनाया जाता है। ये जो बड़ा पतला टाइप है काष्ट का, इसका नाम अरणी है, इसको अरणी कहते हैं। ऊपर का जो भाग है, जो दो अलग अलग पार्ट है, इनको मंथा कहा जाता है। हाँ ठीक है। और इस काष्ठ में अग्निदेव जैसे निराकार रूप में विराजमान है, दिखते नहीं, अग्निदेव इसमें दिख नहीं रहे, केवल काष्ठ दिख रहा है। सनातन धर्म के देवताओं को समझने के लिए इसी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है कि वो देवता और परमात्मा इसी प्रकार से निराकार रहते हैं जैसे कि इस काष्ठ में अग्निदेव निराकार मौजूद है। यहां पर मंत्रों का उच्चारण जब हुआ करता है और यजमान शारीरिक परिश्रम करके घर्षण करते हैं तो वो अग्निदेव यजमान की इच्छा को पूरा करने के लिए, इच्छा क्या है, यज्ञ का कर्म, उसको सफल बनाने के लिए साकार रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त जब तपस्या रूपी, जो उपासना रूपी घर्षण करता है तो वो परमात्मा, वो देवता उस घर्षण रूपी तपस्या रूपी उपासना से विवश और विह्वल होकर के, खुश होकर के, विह्वल माने खुश होकर के, और साकार रूप धारण करके उसकी इच्छाओं को पूर्ण करके। अरण्यै नमः संकल्प। ओम विष्णु 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 अद्य पूर्वोच्चारित तथौ एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टाया धन्य पृथक पृथक नाम धन्य सदभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थम् श्री भगवते लक्ष्मी नारायणस्य कृपा प्राप्तये। अन्नम ओम नाभ्या आशीर्धन्तरिक्षं शिशुनाभ्यौः समवर्धत प्रियां भूर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। काष्ठनिर्मित अरणि स्थित अरणि नमः अग्निदेवाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो बह्नी प्रचोदयात्। काष्ठयंत्र अरणि स्थित अग्निदेवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। गणेश जी महाराज की।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम भूर्भुवः स्वः
सर्वाहुता सर्व
ज्वाला कराल मत्युग्राम शेषा सुरसूदनं त्रिशूलं पातु दूरे वेत्रे भद्रकालिकं उस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः गन्धाक्षत पुष्पान् समर्पयामि नमस्करोमि ॐ महारार्थे पार्थे वद्वां राजा भेदोरपराये धामावे नहा पाशु दिया।
रहियो जजने ना जजिया माया जानता देवा श्री राधे श्याम।